नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से सवाल की, रामदेव को हाई कोर्ट के निर्देश की, जानेंगे बिहार में क्यों जेडीयू और बीजेपी में चल रही है तकरार, यूपी में क्यों दिख रही है बीजेपी को हार, बात करेंगे मुकुल रॉय पर बीजेपी की बढ़ती परेशानी की, पंजाब में आम आदमी पार्टी में मची हलचल की, और बुलेटिन के आखिर में बात इसराइल में नई सरकार के गठन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सीबीएसई 12वीं के छात्रों और अभिभावकों के साथ वर्चुअली बैठक में अचानक शामिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान छात्रों और उनके पेरेंट्स से पीएम मोदी ने परीक्षा रद्द करने और उसके असर पर की चर्चा। सीबीएसई और चार राज्यों के बाद अब यूपी और महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी हुई रद्द, जल्द ही कई और राज्य लेंगे परीक्षाओं पर फैसला। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए समिति का किया गठन, प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में बनाया गया विशेषज्ञों का समूह। चार फेज में अनलॉक होगा महाराष्ट्र, पहले फेज में ठाणे नासिक समेत 7 जिलों में लॉकडाउन हटा, मुंबई पर फैसला 15 जून के बाद। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 383 अंकों के साथ 52,233 पर हुआ बंद, निफ्टी 115 अंकों की बढ़त के साथ 15,691 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की, वैक्सीन को लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है, केंद्र राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ रही है, राज्यों की परेशानी ये है कि उन्हें वैक्सीन मिल ही नहीं रही है, देश में वैक्सीन का उत्पादन धीमी गति से चल रहा है तो विदेशी कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन देने तैयार नहीं है। सरकार की वैक्सीन नीति पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से वैक्सीन को लेकर पूरा हिसाब किताब मांग लिया। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। महामारी ने लोगों को मुश्किल दौर में लाकर खड़ा कर दिया, साथ ही मोदी सरकार की पोल भी खोल कर रख दी। जो सरकार बार बार दावा करती थी कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हमने सब कुछ दुरुस्त किया है, वो दावा जमीनी हकीकत के सामने फेल साबित हो गया। ना तो देश में शिक्षा है और न ही स्वास्थ्य व्यवस्था। यहाँ तक कि महामारी में लोगों को राहत देने वाले टीके की कीमतों को भी सरकार ने अपने हिसाब से तय कर दिया, जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए पेड टीकाकरण नीति मनमानी और तर्कहीन लगती है। दरअसल केंद्र की टीकाकरण नीति के मुताबिक 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को मुफ्त टीका लगेगा और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर ने 18 से 44 साल के कई लोगों को प्रभावित किया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी हाल ही में बताया कि दूसरी लहर में युवा अधिक प्रभावित हुए हैं। इन हालात को समझते हुए भी मोदी सरकार ने युवाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें मूक दर्शक नहीं हो सकती। इसी के साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से टीकाकरण नीति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा है कि वैक्सीन कब कब खरीदी गई, इस संबंध में कोर्ट को पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी जाए। सर्वोच्च अदालत की इस टिप्पणी के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि विपक्ष की मोर्चाबंदी अब उसके खिलाफ और तेज होगी। बजट दिया था 35,000 करोड़ का, खर्च कितना हुआ? 45 साल वालों को फ्री, 18 से 44 साल वालों को पैसा देना होगा, ये नहीं चलेगा। इस तरह की बातें केंद्र से कोर्ट ने कही। सवाल रामदेव के दावों पर भी हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव पर सख्त टिप्पणी की। तो क्या कहा कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीते कई दिनों से बाबा रामदेव ने एलोपैथ को लेकर कई ऐसे बयान दिए जिससे एलोपैथ के डॉक्टर्स नाराज हो गए। रामदेव के खिलाफ कई राज्यों में डॉक्टरों ने शिकायत भी की, लेकिन रामदेव हर दिन एलोपैथी को लेकर बेतुके बोल बोल रहे थे। इसके बाद दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से भी पतंजलि की कोरोनिल किट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। डॉक्टर्स ने अपनी याचिका में रामदेव को पतंजलि के कोरोनिल टैबलेट के बारे में झूठे बयान और जानकारी फैलाने से रोकने की मांग की है। सुनवाई करते समय हाईकोर्ट ने रामदेव के वकील से कहा कि रामदेव सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई तक एलोपैथी और डॉक्टर्स के खिलाफ किसी भी तरह का गलत बयान नहीं देंगे। साथ ही अब तक उन्होंने जो एलोपैथी को लेकर कहा है उस पर अपना रुख अगली तारीख पर स्पष्ट करने को कहा। वहीं डॉक्टरों की ओर से डीएमए ने कहा कि रामदेव का बयान महामारी के बीच लोगों की सेवा में जुटे डॉक्टरों को प्रभावित करने का काम करता है, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन और दवा महामारी का इलाज नहीं है, जिससे भ्रम पैदा हो रहा है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन एक मूल्यवान वस्तु बन गई है,
जिसकी कई लोगों को जरूरत पड़ती है। इसी बीच पिछले दिनों पतंजलि के अस्पताल से एक वीडियो पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक ने ट्वीट किया। इसमें आयुर्वेदिक स्मोक करते दिखाया गया है। इससे कई लोग उलझन में थे। वीडियो में स्मोक कंटेनर में एक आयुर्वेदिक मिश्रण था जो वार्डों में ऑक्सीजन बढ़ाएगा। वहीं एक आदमी रस्सी के सहारे बर्तन में मिश्रण के धुएं को मरीजों के बीच से गुजारता नजर आ रहा था। इस वीडियो पर भी जनता को पतंजलि की तरफ से सफाई का इंतजार है। रामदेव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। योग गुरु के बयान ही अब उनकी मुसीबतें बढ़ाते दिख रहे हैं। बयानों को लेकर बिहार में भी जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी विधायक के बयान से शुरू हुआ ये मामला अब बीजेपी जेडीयू गठबंधन में दरार डालता दिख रहा है। बिहार में एनडीए मुश्किल में आया तो बीजेपी ने झुकने के संकेत दिए हैं। तो क्या है मामला जिसमें नीतीश के सामने झुक रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नीतीश बीजेपी की जरूरत है या बीजेपी नीतीश की जरूरत, ये सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। बात सत्ता की है, इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ लगातार चल रही बयानबाजी के बीच भी नीतीश कुमार की सरकार बची हुई है। सरकार पर सवाल जितने आरजेडी की ओर से पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा सवाल सरकार में शामिल बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। मामला शांति व्यवस्था का हो या महामारी के बीच सरकार के फैसले का, नीतीश कुमार के हर फैसले पर बीजेपी की ओर से सवाल उठाए गए और अब बीजेपी MLC टुन्ना पांडे के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। टुन्ना पांडे ने कहा कि मैंने जो कहा सच ही कहा। इस बार के भी विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश आज सत्ता में राज कर रहे हैं। टुन्ना पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने इससे पहले कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। याद कीजिए, कुछ ऐसा ही बयान शहाबुद्दीन ने भी दिया था। बीजेपी MLC टुन्ना पांडे ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का कोई सदस्य सदन में नहीं जाता, तब तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। शहाबुद्दीन की जान चली गई, इसके लिए भी नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू नेताओं ने खुलकर नाराजगी जताई। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को टैग करते हुए ट्वीट किया, ये बयान आप तक भी पहुँच ही रहा होगा। संजय जायसवाल जी, ऐसा बयान अगर किसी भी जेडीयू के नेता ने भाजपा या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखते लिखते खाली जगह छोड़ दी, लेकिन अपना मैसेज बीजेपी को दे दिया कि अब बहुत हो रहा है। बीजेपी ने भी जेडीयू के संकेतों को समझ लिया और पार्टी टुन्ना पांडे के बयान के 3 दिन बाद हरकत में आई और टुन्ना पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। शुरुआत में बीजेपी टुन्ना पांडे पर किसी कार्रवाई के पक्ष में नहीं थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की तकरार में लालू यादव के सक्रिय होने के बाद बीजेपी को अपने MLC को नोटिस जारी करना पड़ गया। ऐसे में सवाल ये कि कब तक बिहार में NDA की सरकार चलेगी। बिहार में अपने गठबंधन के मुखिया से बीजेपी विधायक नाराज हैं, तो UP में भी बीजेपी विधायक अपनी सरकार से नाराज दिख रहे हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं, मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो विधानसभा चुनावों में हार तय है। तो क्यों योगी सरकार से नाराज दिख रहे हैं उनके मंत्री, देखिए ये रिपोर्ट। क्या बीजेपी यूपी में चुनाव हार रही है? योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली पार्टी पर भारी पड़ रही है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को बना सकती है यूपी का CM? ये सवाल तभी से उठ रहे हैं जब से यूपी में पंचायत चुनावों के परिणाम सामने आए हैं। पंचायत चुनावों से पहले बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि यूपी में विपक्ष बिखरा हुआ है, इसीलिए विधानसभा चुनावों में मुकाबला आसान है। लेकिन पंचायत चुनावों में सपा ने बीजेपी को पूरी तरह से हरा कर योगी सरकार को आश्चर्य में डाल दिया है। पंचायत चुनावों में सपा पहले स्थान पर, निर्दलीय दूसरे पर, बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। इसके बाद से ही यूपी में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी मुश्किल में फंसती दिखाई देने लगी। पार्टी के नेता भी जो 4 साल से चुप बैठे थे, अचानक ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने लगे। मामला लगातार बिगड़ता जा रहा था, पार्टी के नेताओं को भी हार दिखाई देने लगी थी। तो आनन फानन में JP नड्डा ने BL संतोष को लखनऊ भेज दिया। BL संतोष 3 दिन लखनऊ रहे और उन्होंने अब अपनी रिपोर्ट नड्डा को सौंप दी है। नड्डा यूपी को लेकर अब शनिवार और रविवार को बैठक करेंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ की किस्मत का फैसला हो सकता है। BL संतोष के सामने जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला था। पार्टी 2 हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही थी। यूपी में 4 साल में ऐसा पहली बार दिख रहा था। कई मंत्रियों ने तो खुलकर सरकार के कामकाज पर निशाना साधा। संगठन मंत्री ने साफ कह दिया कि जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया तो यूपी विधानसभा चुनावों में क्या होगा, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान सरकार आम जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। जब जनता को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय हम फेल साबित हुए।
ब्रजेश पाठक की बात का समर्थन लगभग आधा दर्जन मंत्रियों ने किया, जिसे लेकर संगठन मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये समय एकजुटता दिखाने का है, एक दूसरे को घेरने का नहीं। लेकिन बीजेपी की चिंता ये है कि अधिकांश विधायक और संघ के पदाधिकारी भी मान रहे हैं कि जमीन पर बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, ये वक्त जल्द से जल्द फैसला लेने का है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं, ऐसे में अब हार की जिम्मेदारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के कंधे पर डालकर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी भी चल रही है। अब देखना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन मंत्री की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेते हैं। योगी सरकार के फैसले अब पार्टी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। विधायक मंत्रियों को लग रहा है स्थिति नहीं सुधरी तो विधानसभा चुनावों में हार तय है, रणनीति बदलनी होगी। गलत रणनीति का परिणाम बीजेपी पश्चिम बंगाल में देख चुकी है। बंगाल में बीजेपी को बड़ी हार मिली है, इसके बाद से ही बीजेपी नेता टीएमसी में शामिल होने की कतार में खड़े हो गए हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के भी टीएमसी में शामिल होने के संकेत मिलने लगे हैं। मुकुल को मनाने के लिए पीएम ने भी फोन लगाया है। वैसे पीएम ने बात उनकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर की है, तो आखिर टीएमसी की ओर क्यों देख रहे हैं मुकुल रॉय, देखिए ये रिपोर्ट। मुकुल रॉय क्या घर वापसी की तैयारी में है? अपने पुराने सहयोगी से ममता की नाराजगी कम हो गई है या बीजेपी में जाकर खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं मुकुल रॉय? मुकुल रॉय जब से बीजेपी में शामिल हुए तो कहा गया था कि बंगाल में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी। विधानसभा चुनावों से पहले भी कई बार मुकुल रॉय के टीएमसी में वापस जाने के संकेत मिले थे, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने मुकुल को फिर से समझा लिया। दिल्ली में पश्चिम बंगाल को लेकर हुई एक बैठक से तो मुकुल रॉय उठकर ही चले गए थे। विधानसभा चुनावों के बाद भी राय को उम्मीद थी कि उन्हें नेता विपक्ष की कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन बीजेपी ने मुकुल रॉय की जगह चंद दिनों पहले पार्टी में आए शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया। इसके बाद से ही मुकुल रॉय की नाराजगी सामने आने लगी थी। इसके सबसे पहले संकेत मिले मुकुल के बेटे शुभ्रांशु रॉय से, जो केंद्र और बंगाल सरकार की लड़ाई में ममता बनर्जी के पक्ष में उतर आए थे। अपने एक पोस्ट में शुभ्रांशु ने लिखा था कि जनता का समर्थन प्राप्त करके आई सरकार की आलोचना करने से पहले खुद आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, चुनी गई सरकार की आलोचना बंद करें और आत्मनिरीक्षण करें। साफ है कि बीजेपी द्वारा ममता के खिलाफ दिए जा रहे बयान शुभ्रांशु को पसंद नहीं आ रहे थे। शुभ्रांशु के बयान पर मुकुल रॉय ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मुकुल रॉय की खामोशी को शुभ्रांशु का समर्थन माना गया। दूसरी ओर टीएमसी की ओर से भी मुकुल रॉय को अपने पाले में करने की कोशिशें शुरू हो गईं। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में नंबर दो माने जा रहे अभिषेक बनर्जी कल अचानक अस्पताल में भर्ती मुकुल रॉय की पत्नी से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने शुभ्रांशु रॉय से भी लंबी चर्चा की। अभिषेक बनर्जी भले ही इसे शिष्टाचार भेंट बता रहे हों, लेकिन अचानक मुकुल रॉय के परिजनों से अभिषेक का मिलना साफ साफ संकेत दे रहा है कि ममता बनर्जी ने भी मुकुल रॉय को टीएमसी में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी है। मुकुल रॉय क्या फैसला लेते हैं ये जल्दी ही सामने आ जाएगा। वैसे मुकुल रॉय को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में एकदम से हलचल मच गई। सियासी हलचल इस समय पंजाब में भी मची हुई है। किसानों के आंदोलन की बात हो या फिर कांग्रेस के अंदर दिख रही गुटबाजी की, कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोधियों से घिरे हैं, लेकिन आज कैप्टन ने अपने विरोधियों पर ऐसा दांव लगाया कि विरोधियों को कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा। तो क्या खेल खेला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में पार्टी हाईकमान के सामने पेशी से पहले सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने धुर विरोधी और पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल खैरा को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा दिया। इसे कैप्टन का बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। खैरा के साथ मौड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जगदेव सिंह कमालू और भदौड़ के आप विधायक पिरमल सिंह धौला ने भी कांग्रेस का दामन थाम दिया। इसकी पुष्टि पंजाब कांग्रेस द्वारा अपने फेसबुक पेज के जरिए की गई है। इन विधायकों के शामिल होने पर कैप्टन ने कहा कि तीनों सीनियर नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से इजाजत मिल गई है। एआईसीसी के महासचिव और पंजाब इंचार्ज हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ तीन सदस्यीय कमेटी से दिल्ली में विचार विमर्श में व्यस्त हैं। इनका आशीर्वाद भी कुछ दिनों में मिल जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि सुखपाल खैरा और उनके साथियों के शामिल होने से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। वहीं जब खैरा से इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो सवाल को टालते हुए निकल गए। दूसरी ओर कैप्टन के इस दांव से कांग्रेस के अंदर तो हलचल मची ही हुई है, आम आदमी पार्टी की परेशानी भी बढ़ गई है। पंजाब विधानसभा चुनावों में अब कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, ऐसे में पार्टी के विधायकों को साथ छोड़ना आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात इसराइल में सत्ता बदल की।
इसराइल में पिछले 12 सालों से जारी बेंजामिन नेतन्याहू का युग खत्म होने के कगार पर है। नेतन्याहू को संसद में बुधवार आधी रात तक बहुमत साबित करना था, लेकिन उसके 35 मिनट पहले येश एटेड पार्टी के नेता येर लेपेड ने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन को सूचित किया कि वो नई सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। येर लेपेड ने राष्ट्रपति से कहा कि इस सरकार में प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट होंगे। तो कैसे हुआ ये तख्तापलट और क्या होगा अब इसराइल में, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। इसराइल में जारी सियासी घमासान के बीच मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का जाना तय हो गया है। विपक्षी राजनीतिक दलों में गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। समझौते के मुताबिक अब दोनों पार्टी के नेता बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले दक्षिणपंथी यामिना पार्टी के नेता नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो 2023 तक पीएम बने रहेंगे। फिर येश एडिट पार्टी के येर लेपेड प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि मार्च में हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। उसके बाद से विपक्षी पार्टियों के बीच सत्ता को लेकर घमासान चल रहा था। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, हालांकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी और उनके सहयोगी दल को सरकार बनाने का न्योता दिया गया था। इसके लिए उन्हें बुधवार यानी 2 जून की आधी रात तक बहुमत साबित करना था। अब विपक्षी पार्टियों के बीच समझौते के बाद 12 साल बाद नेतन्याहू का शासन खत्म हो रहा है। विपक्ष के नेता येर लेपेड ने सरकार बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के 8 दलों के बीच गठबंधन हो गया है, अब वो सरकार बनाएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन को गठबंधन की सहमति की जानकारी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही नई सरकार को लेकर सदन में वोटिंग होगी, फिर पीएम और मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकेगी। लेपेड ने कहा कि ये सरकार इसराइल के सभी नागरिकों के लिए काम करेगी, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी। इसराइल में एकजुटता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।